या फिर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, मधुर व्यवहार वाला चाहिए, या फिर विदेश रहने वाला चाहिए, बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी, एक बार राय लेने में क्या जाता है। क्योंकि आप थोप देंगे भले ही, लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, सारी जिंदगी उस बेटी को निकाल ली है उसके साथ, आपको नहीं निकालनी। और अगर मान लो बेटी को कुछ कष्ट होता है तो भोगना किसको पड़ेगा? माता पिता को। किसको भोगना पड़ेगा? माता पिता को भोगना पड़ेगा। बेटी का जीवन थोड़ा भी इधर उधर होता है तो माता पिता बड़े तनाव में आ जाते हैं, और अंत में साथ भी माता पिता ही देते हैं, दूसरा कोई साथ नहीं देता। इस सभा में बैठे माता पिताओं से तो मेरी ये प्रार्थना है कि अपने बेटे बेटियों से एक बार सलाह लें, फिर रिश्ता ढूंढें। आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन एक बार किस तरह का चाहिए पूछना बहुत जरूरी होता है। और उन भाई बहनों से मेरी बड़ी करबद्ध प्रार्थना है जो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी चलाते हैं, जो अपने आप अपनी दोस्ती निभा करके और माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं, और कई बार तो पता ही नहीं चलता कब बेटी फुर हो गई और गांव ने थू थू किया, समाज में इज्जत चली गई, और कई बहनें तो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में भी जा बैठती हैं। ऐसी बहनों से भी और भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर आप अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, कोई जानवर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, तो आप तो मनुष्य हैं। आपने सुना है कभी किसी बकरी ने किसी कुत्ते से शादी की हो? बताओ। शब्द बहुत कड़वे हैं, बुरे लगेंगे, लेकिन आज हमारे भारत में ये बहुत गंदी परंपराएं चल पड़ी हैं, जहां लगता है बेटियां वहां चल पड़ती हैं। उन बेटियों से मेरा आग्रह है कि अपने सनातन धर्म की मर्यादा में रहिए, हमारे भारतीय संस्कृति पर दाग मत लगाइए, हमारी संस्कृति को चमकते सूर्य की तरह आगे बढ़ने दीजिए। ये प्रार्थना है, सनातन धर्म में रहिए। और वो जो बच्चे जो माँ बाप की आज्ञा के खिलाफ जाकर के विवाह के बंधन में बनते हैं, जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप लिख लीजिए, जीवन में कभी सुख नहीं भोग सकते वो लोग। दो चार दिन शारीरिक सुख भोग सकते हैं, थोड़ा मानसिक सुख भोग सकते हैं, पैसों का सुख भोग सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद, क्योंकि आपको जिन्होंने सारी जिंदगी प्यार दिया, जिन माता पिता ने भूखा रह करके आपको खिलाया, जिन माँ बाप ने फटी बनियान पहन ली लेकिन दीपावली पर आपके लिए कपड़े सिलवाए, ऐसे माता पिता जिन्होंने अपना जीवन आपके प्रति समर्पित कर दिया, उन माता पिता का दिल दुखाओगे तो वो जो दिल दुखा है उसके कारण वो तो कभी आपको बद्दुआ देंगे नहीं। माँ बाप हमेशा यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे सुखी रहें, लेकिन आपने जो कर्म किया है माँ बाप के दिल दुखाने का, उसका परिणाम निश्चित आपको भोगना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में, निश्चित रूप से आपके जीवन में वह आएगा। बता दें अपनी पसंद की मम्मी पापा माता पिता, इस ऐसा लड़का ढूंढो, या ऐसा मुझे इस तरह से जीवन यापन करना है। एक बार चर्चा करें घर में, बहुत कष्ट होता है, कैसे कोई घर से चल पड़ता है समझ में नहीं आता। मेरी भाई बहन, शर्म त्याग के, लज्जा त्याग के, मर्यादा त्याग के, इस संसार में माता पिता जो प्रदान कर सकते हैं और जितना साथ वो दे सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं दे सकता। कैसे किसी पर व्यक्ति पर आपने भरोसा कर लिया और अपने जन्मदात्रियों को छोड़ करके चल पड़े? ऐसा नहीं लगता कि बुद्धि है ही नहीं? प्रार्थना है माता पिता से कि आप सभी ब्रह्मा जी की भांति अपने बच्चों की राय जान लें एक बार, जरूरी भी है आज के समय में। अहिल्या माँ ने कहा, पिताश्री आप बड़ी ज्ञानी हैं, आपके मुख से तो वेद प्रकट हुए हैं, आप जिससे विवाह करवाएंगे वह हमें स्वीकार्य हो। कहा, बेटा नहीं, अभी इस समय में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है राजा महाराजा जिन्होंने, जिनके पास सुख है, समृद्धि है, धन है, वैभव है, दूसरे हैं ऋषि जो जंगल में जीवन यापन करते हैं।
जिनके पास वैसे बहुत कुछ है, ज्ञान है, कई प्रकार के अनुसंधान है, लेकिन धन को वो प्राथमिकता नहीं देते। कैसा पुरुष चाहिए आपको? माँ ने, अहिल्या माता ने कहा, पिताजी ऐश्वर्य धन दौलत ये तो आपके यहाँ क्या कमी है। अब मेरी इच्छा साधना की है कि मैं किसी ऋषि से विवाह कर अपने जीवन का उत्थान करूं, भक्ति करूं, साधना करूं। पिताश्री ने ऋषियों को बुलावा भेज दिया। अब एक ऋषि से करवाएं तो दूसरे नाराज हों, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि सारे उनकी ज्ञान की परीक्षा के लिए, उनकी शक्ति की परीक्षा के लिए, उनके सामर्थ्य की परीक्षा के लिए। सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सर्वप्रथम यहां पहुंचेगा उसको मैं अपनी बेटी पत्नी रूप में प्रदान करूंगा। सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां थी, कोई खड़ाऊं पहन के निकल गए, कोई चटाई सहित उड़ गए, सबके अलग अलग थी सिद्धियां। लेकिन जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि ने देखा कि एक गौ माता बछड़े को जन्म दे रही है, आधा बछड़ा पेट के अंदर है, आधा बछड़ा बाहर है, प्रसव हो रहा है। ऐसी स्थिति में गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ के सप्त परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी को आग्रह किया कि हे ब्रह्मा जी, जगत पिता, हमने ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया है, अब आप अपनी कन्या हमें पत्नी रूप में प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो अभी गए नहीं, तो आए कहां से? कहा, आपने तो हमें यह ज्ञान प्रदान किया है कि कोई गौ माता बछड़े को जन्म दे, जब उनका प्रसव हो रहा हो उस समय परिक्रमा करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिला और गौतम ऋषि की बात को मानते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी अहिल्या पुत्री का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में सौंप दिया। और बालक ही नहीं, और माताएं भाई कोई भी अगर कहीं ब्याती हुई गौ माता नजर आ रही है तो पास मत जाओ, दूर से, ताकि वो परेशान नहीं हो, आप परिक्रमा अवश्य कर लो, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो भाई ब्याती हुई गौ माता की परिक्रमा करते हैं उनको सुंदर, सुशीला, सुलक्षणा, सुकन्या, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ जितने भी भाई हैं, गौ भक्त हैं, जो यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि एक बार तो परिक्रमा कर ही लेना, नहीं तो देवी जी खतरनाक आ गई तो सारी गौ सेवा एक तरफ धरी रह जाएगी। इसलिए पत्नी, जीवन संगिनी अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो आजकल बड़ी हालत खराब है कि नहीं? 2 घंटा लेट हो गए तो देवी जी फोन करेगी, बैठे कही मारा भाई जी ने रो रिया, आओ नहीं रोटी पानी को टाइम हो गया। भाई दो दोस्त थे, बड़े ध्यान से सुन, दोनों मित्र थे। अब दोनों बाजार से बढ़िया चल करके जा रहे थे तो एक जो भाई था उसको पूरा पूरा मार के प्रणाम कर रहा था, नमस्कार भाई साहब, हरे कृष्ण, राम राम भाई, पूरा 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 मार के। तो उसके दोस्त ने पूछा, भैया जैसी तेरी बाहर चलती है क्या वैसी घर में भी चलती है? का अपन तो शेर है, शेर। अच्छा, बोले घर में भी शेर हो? का वो तो चल रहे हो तो चल के देख लेना। अब घर पहुंचे उसी दादागिरी में, वही दादागिरी थी, बड़ा गर्व था अपने दोस्त के सामने, अपनी इज्जत बचानी थी। अंदर घुसे, आवाज लगाते, ए सुनती है?
फटाफट पानी गरम करके ला, अंदर से आवाज आई, नहीं तो भाई साहब बोले नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा। दोस्त ने पूछा, भैया बाहर तो बड़े शेर बन रहे थे, घर में आके बिल्ली क्यों बन गए? अब जवाब सुनो आप उसका, कि बाहर शेर बनू तो चलता है, घर में शेर नहीं बन सकता। अगर घर में शेर बनूंगा तो घर में ये दुर्गा भवानी निवास करती है, ये पीठ पर सवार हो जाएगी, इसलिए घर में शेर नहीं बना जा सकता। तो ऐसी है माताओं की महिमा, इसलिए अच्छी पत्नी चाहिए तो गौ माता की परिक्रमा लगा, ब्याती हुई गौ माता। और अगर किन्हीं बेटियों की सगाई नहीं हो रही तो बेटियों के लिए भी सूत्र है, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए बेटियां 9 दिन का सोमवार का व्रत करें और माता गौरी की आराधना करें, क्योंकि जब माता सीता का विवाह, बड़ी स्थिति गड़बड़ थी कि धनुष जो तोड़ेगा वो सीता जी को ब्याहेगा, रावण और बाणासुर जैसे राक्षस भी आ गए, लेकिन माता सीता को उनकी माता सुनैना ने गौरी माता की आराधना करने की बात कही तो राम जी मिले, रुक्मणी मैया ने गौरी माता की आराधना की तो श्याम मिले, भगवान कृष्ण मिले। हमारी कन्याओं को भी कहें कि प्रथम तो सोमवार का व्रत रख करके तांबे के या किसी भी सामान्य लोटे में जल भर लें, कच्चा दूध मिला लें और भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ाएं, हाथ जोड़कर पार्वती माता के सामने एक प्रार्थना करें, जो प्रार्थना माता सीता ने की थी और रामचरितमानस में वह चौपाई बड़े ही भाव से तुलसी बाबा ने लिखी है, और इस चौपाई का जाप जो माताएं करती हैं उनको भी, उन भक्ति जो होती है, उनकी पतिव्रत धर्म जो होता है वह प्रगाढ़ होता है, तो माताओं को भी इस चौपाई का गान करना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान, जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय महिषमुख जय महिषमुख चंद चकोरी, जय गज गजन कार्तिकी जी की और गजानन जी की माता आप हम पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना। जय गज जय गिरीवर राज किशोरी, जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय जय गिरीवर राज किशोरी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भूली गौरी मैया की जय हो, व्रत के दिन सिर्फ गाय माता जी का दूध ले और गाय माता जी की छाछ का सेवन कर,
इसके अलावा गव्य पदार्थों के अलावा और कुछ न ले। नौ सोमवार का यह व्रत निश्चित फलित होता है और हमारी कन्या को अच्छे वर की प्राप्ति भी होती। तो नरसिंह राम जी के बेटे की सगाई होनी है, लेकिन नरसिंह जी ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो भगवान के हाथ में है, सब ताने चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं, सब सांवरिया ठाकुर जी महाराज करसी, आप तो राम राम भजो आनंद लो। इधर एक बड़ नगर नाम का एक गांव है, उस बड़ नगर में वहां के जो दीवान है उनकी बेटी है जूठी बाई। कई नाम है? जूठी बाई। उन जूठी बाई की शादी होनी है, तो दीवान साहब ने विचार किया कि जूनागढ़ में 700 नागर ब्राह्मण समाज के घर हैं, वही कोई बढ़िया लड़का मिल सकता है। तो दीक्षित जी महाराज को, पंडित जी को लड़का देखने के लिए भेजा, पत्र लिख दिया साथ में, क्योंकि जूनागढ़ में सारंगधर नाम के एक समाज सेविक सेवक हैं, वो बहुत अच्छे मित्र हैं दीवान साहब के। पत्र लिखा, प्रिय मित्र सारंगधर जी, मेरी बेटी जूठी बाई की विवाह के लिए वर चाहिए और आपसे प्रार्थना है कि आप कोई श्रेष्ठ वर ढूंढ करके बतलाएं। चल दिए दीक्षित जी महाराज जूनागढ़ आए। अब जूनागढ़ नरसिंह मेहता जी के गांव में पहुंचे तो वहीं चौपाल पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। पहले होता था ना, पहले गांव के लोग समूह में बैठते थे, 10-10, 15-15, पता नहीं कहां कहां की बातें करते थे, मन हल्का हो जाता था। आजकल का टाइम है दादाजी, जो शुगर हो जावे, बीपी बढ़ जावे। पहले क्या होता था कि एक दूसरे से बात कह देते, समाधान मिल जाता, टेंशन नहीं रहती थी मित्रों के साथ। लेकिन अब तो भाई छावसरी में चले जाओ, डोकरा तो घना ही मिल जाएगा, तांस की पत्ती खेलता जाओ, अभी कथा में नहीं आ सकते, तांस खेल सकते। कई लोग हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं, सुन भी रहे हो, इसलिए ग्रुप बनाते, समूह बनाते, धर्म चर्चा के लिए नहीं बनाते, समाज की सेवा के लिए नहीं बनाते। तो वो जो गांव के समझदार लोग थे वो बैठे थे, अब वहां जाकर के दीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भाई सारंगधर जी नाम के जो हैं वो कहां मिलेंगे। अब सारंगधर जी नहीं पूछ रहा है कि सारंगधर जी कठे मिल सी, कि भाई के काम है, दीवान साहब है, उनकी बेटी की सगाई होनी है तो वर ढूंढने आए हैं और सारंगधर जी से मिलना है। तो सारंगधर जी बोले, आ भाई मुई सारंगधर हूं, बोल तू तो मने ही मिल गयो, डायरेक्ट दूजी जगह कटे जावा की जरूरत ही को नहीं पड़ी। पत्र दिखलाया या चिट्ठी वांच लो, और कोई बढ़िया छोरो हो तो बताओ। चिट्ठी पढ़ ली, सारंगधर जी अपने घर लाए, दीक्षित जी को बढ़िया उनका स्वागत किया, सम्मान किया, नाश्ता भोजन सब करवा दिया। अब अपने एक मित्र के यहाँ गए लड़का दिखाने के लिए। वहां देखा तो सब सामान एकदम सजा धजा है, बढ़िया सोफे लग रहे हैं, जाते ही हाथ जुड़े हैं और बड़े प्रेम से सत्कार किया है, बिठाया है, और जहां ज्यादा दिखावा हो समझो कि दाल में कुछ काला है। एक भी मिस्टेक नहीं, सब व्यवस्थित। दीक्षित जी बोलिया, बेटा थारो नाम के है? बेटो धीरे सो धीरे, अपने पापा जी ने पूछ रहे हो
कई कहवे, मतलब बेटा क्या है बहरो है, सुनता नहीं। फिर पूछा दीक्षित जी ने कि बेटा नाम क्या है, हाँ नाम क्या है, क्या? अरे राम, तुरंत वहां से खड़े हुए कि सारंग दर्जी यहां का लेकर आएगा तो छोरो सुने भी कोनी। वहां से चले दूसरी जगह गए, वहां भी अच्छा नहीं लगा, तीसरी जगह गए। अब अंत में कृष्ण राय नाम के घर पे पहुंचे, वहां पे भी एकदम व्यवस्था जमी हुई बढ़िया शानदार। अब वहां पर भी दीक्षित जी ने नाम पूछा कि भैया क्या नाम है। भैया बोलियो बीबी बी विद्याधर, मतलब बेटा तोतला है, हकलाता है। अरे राम, वहां से भी उठ के चले गए, 100 जगह देखे लेकिन कोई बेटा दीक्षित जी को पसंद। अब सारंगधर जी ने भी बड़ी वो करी, अपने अपने मित्रों के यहाँ दिखाया जो अच्छे लड़के थे उनको, तो वो सोच रहे हैं कि मेरे किसी दोस्त का काम बन जाए और मेरा कोई दोस्त दीवान का समधी बन जाए, ब्याई बन जाए तो बढ़िया हो। इस चक्कर में उन्होंने अच्छे बच्चे दिखाए नहीं। अब तो दीक्षित जी ने गुस्सा आ रही है कि बताना हो तो बताओ भाई, नहीं तो भेजो। बहुत परेशान हो गए लड़के देख देख करके। सारंगधर जी को भी बड़ी चिड़ मच रही है कि इसको कुछ पसंद ही नहीं आता है, जहां जाओ वही ना, जहां जाओ वही ना। अब चिड़ में आके सारंगधर जी ने क्या बोला, बहुत बढ़िया लड़का बता रहा हूँ आपको। वो सफेद रंग का जो घर दिख रहा है ना, बहुत सुंदर, जहाँ पे ध्वजा लहरा रही है वहां चले जाओ। हमारे गांव के सबसे बड़े सेठ हैं नरसी राम। व्यंग किया है, क्या किया है? व्यंग किया है, क्योंकि नरसी जी के पास तो कुछ भी नहीं। उनका लड़का है वो बहुत बड़ा विद्वान है, वहां हमारे गांव के सब लोग उनके पैर पड़ते हैं, जाओ तो सही। दीक्षित जी ने कहा आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं, वहां मेरी कोई जरूरत ही नहीं, बटे मारी कोई जरूरत को नहीं, आप तो एकला ही चला जाओ। नरसिंह मेहता जी ने नरसिंह मेहता जी के घर का पता पूछ के दीक्षित जी वहां गए। और वहां गए तो जाते ही इतनी शांति का अनुभव हुआ है, पूरा मन प्रसन्न हो गया दीक्षित जी का। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप भी कभी किसी के घर में गए होंगे, किसी किसी के घर में जब हम जाते हैं तो बड़ी चिड़चिड़ सी होती है, होता है कि नहीं? गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और किसी किसी के घर में जाकर के एकदम मन शांत हो जाता है। ये प्रभाव है वहां के वातावरण का, भक्ति का, कीर्तन का, सत्संग का। नरसिंह मेहता जी के यहाँ पर नित्य कीर्तन होता है, सत्संग होता है, बड़े ही आनंद से नरसिंह जी भगवान की भक्ति में मस्त रहे। दीक्षित जी पहुंचे, नरसिंह जी भगवान को भोग लगा रहे थे, भोग लगा के ठाकुर जी को, और फिर पहुंचे हैं दीक्षित जी के पास, नमन किया। आओ महाराज, कठसु आया, बड़े नगर से आए हैं प्रभु, आपके दर्शन करके तो मन बड़ा आनंदित है। गांव के लोगों ने बताया कि आपके कोई पुत्र हैं, अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं। विवाह हमारे दीवान साहब की बेटी का भी होना है, इसलिए आए हैं। अगर आपका पुत्र है तो उनका दर्शन करवाओ, मुख दिखलाओ। कहा वो रहे दीवान, मैं ठहरा भगत आदमी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब आप फिर भी अगर बात करो तो मेरे पास तो सिर्फ भजन है, मेरे पास तो सिर्फ हरि का नाम है और कुछ भी नहीं। दीक्षित जी ने कहा इससे बड़ा कोई धन नहीं होता, आप तो पुत्र के दर्शन करवाइए। नरसिंह राम जी ने श्यामल दास जी को बुलाया। श्यामल दास जी का मुखमंडल बड़ा सुंदर है, जीवन में बड़ी नम्रता है और चेहरे पर बड़ी भक्ति है। ये देख के दीक्षित जी प्रसन्न हो गए। एक ही बार में नारियल
और दक्षिणा देकर तिलक लगा करके रिश्ता तय कर दिया। अब दीक्षित जी तो सोच रहे हैं कि पैसे रुपए तो कहीं भी मिल जाएंगे, दीवान साहब के पास भी बहुत हैं, लेकिन अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। नरसी राम जी के बेटे की शादी तय हो गई, दीक्षित जी चले गए, सारा हाल सुनाया दीवान साहब को, सारी शादी की तैयारियां कर ली, सब तैयारियां हो गई जूठी बाई के ब्याह, सारी तैयारियां हो गई। अब गांव में चर्चा फैल गई कि नरसी भगत के बेटे की शादी बड़ नगर के दीवान की लड़की से हो गई, नहीं होने देंगे। सारे गांव वालों ने मिलकर के तय कर लिया, पंचायत बैठी और सारंगधर ने पत्र लिखा। ये टांग अड़ाने वाले लोग बहुत होते हैं, ईर्ष्या जो करते हैं, अच्छी लड़की किसी को मिल जाए, अच्छा लड़का किसी को मिल जाए तो सहन नहीं होता, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और जलन तो आजकल इतनी है कि पूछो मत मेरे बारे में, मिर्ची खाने की जरूरत ही नहीं, बिना मिर्ची खाई परेशान है। उसके गाड़ी आ गई तो क्यों आ गई, अब क्या करते हैं, गाड़ी आ गई तो सहन नहीं होता, किसी छोटे बच्चे को बुलाएंगे, दादाजी बेटा इधर आ, 10 रुपए ले चॉकलेट खा के आना, कि काका जी कभी 1 रुपया को नहीं दिया, आज 10 रुपया क्या दे दिया। दादाजी कहे कि बेटा तू चिंता मत कर, 1 रुपया की सुई ला और टायर ने पंचर कर दे। ऐसे भी लोग हैं, देखो पड़ोसी के गाड़ी आ गई तो खुश होना चाहिए, क्यों, अपने घर पे गाड़ी नहीं है, पड़ोसी के गाड़ी है ना, मित्रता, इतनी अच्छी दोस्ती बना लो, इतनी बढ़िया बना लो कि उसके घर की गाड़ी की चाबी आपके घर पे रखी रहे, कभी भी कोई तकलीफ हो तो जब चाहो स्टार्ट करके ले जाओ। ये अंतर है ईर्ष्या में और दोस्ती में मेरी भाई बहनों। अब आपको क्या निभाना है आप देख लीजिए, वो आपको देखना। ताली तो घनी डोकरियां बजा दी, पर कोई की छोरी को ब्याह तय हो जावे तो धीरज से फोन करा देवे कि अठे आजो मती, छोरी तो काणी है। तो भाई ईर्ष्या मत रखो। अब सारंगधर जी ने पत्र लिखा है कि प्रिय मित्र, हमने सुना है कि आपकी बेटी जूठी बाई का विवाह नरसी राम जी की बेटे के साथ तय हुआ है, ये तो एक नंबर का फक्कड़ आदमी है, अपने आप को भगत बताता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा गांव इसका अपमान करता है, बहुत ही बेकार आदमी है, तंत्र मंत्र करता है, ये सा है वैसा है, अगर आप अपनी इज्जत चाहो तो यहाँ बेटी की शादी मत करो। अब तो पत्र पहुंचा दीवान साहब के पास, पत्र पढ़ के चिंता में आएगी क्योंकि सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा जा चुका है, अब करें तो भी बदनामी और नहीं करें तो भी बदनामी, अब क्या करें। तो नरसी जी के लिए भी चिट्ठी लिख दी दीवान साहब ने कि हम तो दीवान हैं, हम तो बड़े पद पर हैं, अगर आप चाहो कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने तो बारात लाना बड़ी, हाथी हो घोड़े हो बहुत सारे लोग हो, इतना पैसा हो इतना धन हो और बहुत सारे बराती हो तो शान के साथ आना अथवा मना कर दो। पत्र पहुंचा नरसिंह मेहता जी के पास, नरसिंह मेहता जी ने उस पत्र को पढ़ा और ठाकुर जी को दे दिया कि ठाकुर जी आपकी बेटे की शादी है, आप जान मैं क्या करूं, नरसिंह जी की भक्ति देखो मेरे भाई बहन, मैं क्या करूं, ये पत्र आया आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो बैठा हूं करताल उठाई भजन में मस्त हो गए। हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि मेरा ये परिवार मेरा यह घर
सब कुछ ठाकुर आपको समर्पित है, आपको अर्पित है, आपका ये परिवार है, आप जानो और आपका और आप जिन जिन का परिवार जिन्होंने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है कि इस घर की समस्या, इस घर का चिंता, इस घर में समस्याएं जो कुछ भी है वो आप सुधारो, आप संवारो, आपकी कृपा बने। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे सबका परिवार मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बढ़िया से चलाना जानते हो तो बैठो, नहीं तो नहीं, पूछते हो तो नहीं ना, नहीं ना। किसी बस में चढ़ते हो नहीं पूछते, किसी नाव में बैठने से पहले पूछते हो कि नाविक को नाव चलानी आती है कि नहीं, क्यों क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि चलाने वाले पर भरोसा है इसलिए बैठ जाते। भाई बस चालक को सब पूछते नहीं है कि चलाना आता है कि नहीं आता, बैठ जाते हैं, हमें भरोसा है कि हमें अगले गांव तक यह व्यक्ति पहुंचा देगा। जब आपको इस संसार के सामान्य बस चालकों पर, नाव चलाने वालों पर भरोसा है तो उस संसार चलाने वाले पर भी भरोसा रखिए और बैठ जाइए भक्ति की नैया में, वो आपकी नैया को पार करेंगे। माही नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भवर में फिर न दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा दरबार है, श्याम तेरे भरोसे परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हम संसार की आस करते हैं, कोई सोचता है कि मेरी बहन मेरा साथ देगी, कोई सोचता है कि मेरा भाई मेरा साथ देगा, कोई सोचता है कि मेरी भतीजी मेरा साथ देगी। साथ तो मिल जाएगा, कोई देगा कोई नहीं देगा, लेकिन अगर वास्तव में किसी ने हमें हर समय
हर क्षण हर आवश्यकता में हर पल हमारा किसी ने अगर साथ दिया है तो वो हमारे ठाकुर हैं, हमारे गोविंद हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, हमारे ठाकुर हर पल हमारे साथ हैं। बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पर तो शाम तेरा तो शाम तेरा बड़ा उपकार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो ही मेरी नाव कमाजी हो, पतवार है शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सारी चिंता ठाकुर जी को दे। अब नरसी जी तो भगवान को कह करके, अब जितने भी साधु संत थे उनको सबको कह दिया
कह दिया कि बारात लेकर के चलना। अब बारात में कौन जाएगा? गांव के सब लोग हंस रहे हैं, गांव के सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई किस तरह से ये बारात ले जाएगा, देखते हैं। साधु संत इकट्ठे हो गए, एक बैलगाड़ी ले ली, तुम्बा तुम्बी बेड़ा कर लिया, सब करताल मजीरा सब, और नरसी जी ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नरसी राम जी अपने बालक को लेकर के, बारात लेकर के चल पड़े। कोई कौन है बारात में? कौन है? साधु संत। और याद रखो, संत जिसके साथ है भगवंत उसके साथ है, क्योंकि संत सत्य पर चलते हैं और सत्य का दूसरा नाम ईश्वर ही होता है मेरे भाई, सच्चे संत। इसलिए तो कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, जो नवदा भक्ति बताई है रामचरितमानस में, तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया, और उस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति बताई है, प्रथम भगति संतन कर संगा, साधुओं का साथ। नरसी राम जी तो चल पड़े हैं कि ठाकुर थारे आनो हो तो आ, नहीं तो मैं तो चल पड़िया, थारे छोरा की लाज है थारा हाथ में है, देख ले। चल पड़े, गा रहे हैं बजा रहे हैं। अब गांव के लोग भीड़ लेके इकट्ठे हुए हैं और सब हंस रहे हैं कि नरसी जाने से कोई फायदा नहीं है, खाली हाथ पाछू आनो पड़सी, जावण को कोई फायदा को नहीं। सब हंस रहे हैं लेकिन नरसी जी ने तो कोई फर्क को नहीं पड़े, नरसी जी को कोई भी फर्क पड़ता, नरसी राम जी चल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन विचार किया कि मेरा भगत तो उठाई करताल और चाल पड़ियो, भाई चाल लो तो पड़सी, भगत की लाज भगवान रे हाथ में। नरसी जी गांव में पहुंचे उससे पहले ठाकुर जी अकेले नहीं, पूरे भक्तों को ग्वाल बालों को लेकर के वहां उपस्थित हुए, और इतनी बड़ी बारात लगी है मेरे भाई बहनों कि पता नहीं इतनी बड़ी बारात। अब ये हाथी घोड़े ढोल नगाड़े बाजे, अरे राम समाहित नहीं हो रहे, इतने लोग आए, ठाकुर जी की लीला है। अब क्या हुआ? जो लड़की के जो पिता थे उनको तो कुछ पता था नहीं, उन्होंने तो व्यवस्था कर रखी थी कि बारात रुक जाएगी, अपनी अपनी जगह बारात रुक गई। अब वो ब्याई जी से मिलने आए तो वो तो नहीं मिले, ठाकुर जी मिल गए, हाथ जोड़ के बोले, अरे आओ आओ समधी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कन्हैया जी ने कहा कि भाई मैं समधी नहीं हूं, वो तो कोई और है, मैं तो उनका भक्त हूं, दास हूं, उनके कामकाज देखता हूं, इसलिए यहां खड़ा। बेटी के पिता ने विचार किया कि जिसका दास इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है और इतना जोरदार है, तो समधी जी कैसे होंगे? मन में तो विचार आता ही। अंदर जाकर के वह समधी जी लड़की के पिता नरसी मेहता के पैरों पर गिर गए, क्षमा मांगी। नरसी जी ने उठा के गले से लगा लिया कि माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि आप इतने श्रेष्ठ हैं, इतने भक्त हैं, इतने ज्ञानी हैं, ये सब हमको मालूम नहीं था, हमने बड़ी धृष्टता की, बड़ाई मूर्खता की, आपको पत्र लिख करके ऐसा अभिमान भरा पत्र मैंने आपको भेजा, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, नरसी जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और क्षमा मांगी, नरसी जी के बेटे की शादी जूठी बाई से हुई, और नरसी जी उसी बैलगाड़ी में बहू को बिठा करके लेकर के गांव में आए। हंसी करने वाले हंसी करते रह गए, इसलिए हंसी करने वालों की चिंता नहीं करनी,
बहुत लोग हैं, ऐसे भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो कथा की भी करते हैं, सत्संग की भी करते हैं, भजन की भी करते हैं, भक्तों की भी करते हैं। याद रखना, किसी की भी हंसी कराने का विचार करोगे ना, ठाकुर उनका साथ देंगे, प्रभु उनका साथ देंगे। इसलिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए। पूरे गांव में चर्चा है, लेकिन समय बीता, भक्तों में, भजनों में भगवान की ऐसी कोई लीला होनी थी कि कुछ समय बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई, बेटी बहु विधवा हो गई, फिर भी नरसिंह राम जी ने भगवान पे भरोसा रखा कि जो कुछ होता है सब बढ़िया होता है। अब समय बीता, पिताजी का श्राद्ध आया, नरसिंह जी के पिताजी का, तो अब दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, बंसीधर जी न्यारे रह रहे हैं, नरसिंह जी न्यारे रह रहे हैं, तो अब श्राद्ध तो बड़ा भाई करेगा, ये सोच के बंसीधर जी ने सारी व्यवस्था जुटा ली और बंसीधर जी नरसिंह राम जी ने बुलावन ने आया कि बिरा अपने पिताजी रो श्राद्ध है, तो चालनो पड़े कि भाई साहब भगत भजन पूजन साधु संतारी सेवा टाइम ही को नहीं मिले, तो भी 5-10 मिनट रे लिए आ जा, एक दिन पहली थारी बीनणी ने भेज दीजिए कि नहीं भाई जी भाभी को नहीं आ सके, अट रोटी कौन बनावे, भोजन कौन बनावे, मना कर दिया नरसिंह राम जी ने। बंसीधर जी ने घणो गुस्सा आयो, अब जाके बताया भौजाई को, नरसिंह जी की यानी बंसीधर जी की पत्नी को, दुरित गोरी वो क्या बोली क्रोध करके, उस कलमुए के पास गए क्यों थे, आपको कहा किसने था, उसके पास जाओ अपने पिताजी का श्राद्ध अपन कर लेंगे। बंसीधर जी नरसिंह राम जी को कह के आ गए कि तू तेरा जो भी है श्राद्ध अलग कर लेना, अब हमारे घर पे पाँव भी मत रखना। नरसिंह जी क्यों ठीक है, हमारे 2-4 साधु संत ने जिमा देसी हो गए हमारे तो श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है मेरी भाई। अब कई भाई बहन, कई आजकल के पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कहते हैं मर गया, जो मर गए चल बसे, उनको खिलाने से क्या फरेगा, अरे जीवित हैं उनकी सेवा करो, उनकी भी बात गलत नहीं, सही बात है कि मरने के बाद करने से अच्छा है कि जीवित की कर लो, लेकिन श्राद्ध एक श्रद्धा है कि अगर आप अपने मृत जो माता पिता हैं जिनकी इनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, कई समय हो गया, उनकी तिथि पर आप अगर श्राद्ध करते हैं, तो पहली बात तो पितरों का तर्पण जरूरी है, क्योंकि वो पितर तृप्त रहते हैं तो हमें घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। दूसरा, आपके बच्चे जब ये देखते हैं कि मेरे पिताजी कितनी श्रद्धा मेरे दादा पर रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो जब आप ये सब करोगे तो बच्चे जीते जी आपकी सेवा के प्रति समर्पित हो जाएंगे, इसलिए जरूरी होता है श्राद्ध भी। सब अपनी अपनी बात चलाते हैं, लेकिन श्राद्ध, और श्राद्ध में खाई जाती है खीर। क्या खाई जाती है? खीर। क्यों खाई जाती है? भारतीय परंपरा सनातन संस्कृति की कोई भी पूजा पाठ व्रत त्योहार बिना कारण नहीं है, वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष का जो वातावरण होता है, उस वातावरण में बदलता हुआ वातावरण होता है, लोगों को सर्दी जुखाम बुखार बहुत होता है, किसी को डेंगू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, बुखार आता है, आता है। अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो 15 दिन तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में एक कटोरी खीर, वो भी गाय माता के दूध में चावल मिश्री डाल के बढ़िया बना करके, तुलसी पत्र डाल करके, भोग लगा करके उस खीर का सेवन करें, तो आपको शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि अब कई भाई बहन कहते हैं कि भाई डेंगू तो मच्छर काटने से होता है, उसमें खीर क्या करेगी, तो डेंगू मच्छर काटने से तो होता है, मानते हैं, लेकिन आप माताओं बताओ, दही जमाना आता है आपको
दूध को जमाते हो, दही बनता बनाते हो ना। अगर मैं आपको ठंडा दूध ला के दे दूं कि माता जी जमा दो, जम जाएगा? और गरम गरम उबलता हुआ दूध ला के दे देंगे, जमा दो, ना ठंडा जमेगा ना कैसा जमेगा? गुनगुना, एक एक तापमान निश्चित है उसका, जिसको अनुमान है वही दही जमा सकता है, सब दही नहीं जमा सकता। जब आप थोड़ा सा जावन डालेंगे तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे और दूध जम जाएगा। अब जावन तो आपने गर्म दूध में भी डाला, ठंडे में भी डाला, लेकिन नहीं जमा। कहाँ जमा? जहां उसको वातावरण मिला पनपने के लिए, वहां जमा। इसी प्रकार मच्छर तो आपको काटा, मुझे काटा, सबको काटा, लेकिन जिसके शरीर में उस बैक्टीरिया को पनपने का वातावरण मिला तो बीमार हो गया। अगर वातावरण मिलता नहीं तो वो इंसान, कितने मच्छर काटो, मच्छर झूम जाए, मच्छर भर जाए, तो भी उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब जब मनुष्य के शरीर में पित्त बढ़ता है, अभी चाहिए ही नहीं तो वहीं बिठा दो पीछे। जब मनुष्य के शरीर में पित्त बढ़ता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बुखार होने की समस्या बढ़ती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अगर खीर का सेवन किया जाए, गौ माता के दूध के खीर का, तो मनुष्य बीमार नहीं होते मेरे भाई बहन। नरसिंह मेहता जी अब श्राद्ध पक्ष में अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाह रहे हैं। अब सामग्री तो कुछ है नहीं, कान के एक कर्ण फूल मात्र बचा हुआ था, वह कर्ण फूल दे दिया पत्नी ने कि स्वामी ये ले जाओ और आप अपने पिताजी का श्राद्ध कर लो। लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिल गए, वही लोग जो नरसिंह मेहता जी की हंसी उड़वाना चाहते थे, कि निमंत्रण दिया, पूछा कि भाई जी श्राद्ध कर रहे हो? बोले हाँ, आप दो पांच मुख्य मुख्य लोग आ जाना, हम जिमा देंगे। भाई श्राद्ध तो श्रद्धा से होता है, कोई पूरा गांव थोड़ी जिमाना पड़ता है। कहा देखो, पूरी जाति को जिमाना पड़ेगा तो मानेंगे कि श्राद्ध किया। अब नरसिंह राम जी तो भोड़ा ठाड़ा भगत है कि ठीक है, अब घर में तो कुछ भी कोनी, मन में आ गई, पुरोहित जी को भेज दिया कि पूरे गांव को न्योता कर दो और घर में एक दाने का ठिकाना नहीं। पूरे गांव को निमंत्रण किया है, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान के ये भक्त नरसिंह जी अब फंस गए जोरदार। अब सारा थोड़ा सामान तो ले आए, घी लाना बाकी रह गया। क्या घी? छोटी सी इतनी सी केटली उठाई। अब उनको ये भी ज्ञान नहीं, बताओ विचार करो, इतने लोग जीमेंगे तो इतनी सी छोटी सी केटली में क्या घी आएगा, वो पूरा हो जाए। ले चले। अब फिर मेरे भाई बहनों, अधिक घी की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब घी के लिए पैसा नहीं है, उधार मांगने पहुंचे। एक सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी ने मन में सोचा कि अगर इसको मना करूंगा तो भी मेरी बात बिगड़ेगी, और हाँ करूंगा तो इस भगत का क्या भरोसा, रुपया दे नहीं दे, राम जाने कब कहां भक्ति में मगन हो जाए, इसका कोई ठिकाना है नहीं। कहा भगत राज, घी तो दे दे तो, पर इत तो घी है ही कोनी। कोई बात नहीं, आगे गए, सबने मना कर दिया। एक भक्त ऐसा मिला जिस भक्त ने कहा कि नरसिंह जी आप ऐसा करो, घी तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए मेरे जैसे गरीब भक्त से? क्या चाहिए? का कुछ नहीं, एक भजन सुना दो। नरसिंह राम जी ने तो अपने मन की बात सुन ली कि यही तो मैं चाहता हूं कि भजन कराओ। पात्र रख दिया घी का साइड में और भजन गाने लगे। और इधर मेरे भाई बहनों क्या हुआ, पूरा गांव जीमने के लिए तैयार है, पत्नी चिंता कर रही है आल तक स्वामी जी आया कोनी। भगवान ने सोचा रहे भक्त राज मेरे भजनों में मस्त है, इसको घर की कोई चिंता है नहीं, अब तो इसकी लाज की बात है। ठाकुर जी ने नरसिंह राम जी का रूप बना लिया। क्या बना लिया? नरसिंह राम जी का रूप बना लिया। और घी लेके और सामान छकड़े भर भर के, बैलगाड़ी भर भर के सामान पहुंचाया, और पत्नी ने भोजन बनाया,
और पूरी जाति ने भोजन जीम लिया। ठाकुर जी खुद नरसिंह मेहता बन गए मेरे भाई बहन। अब देखो सब जीम गया और जीम के सब चले गए और अबे नरसिंह जी आया घी की केतली ले घरे पहुंचा। क्यों देवी जी लो कोई भोजन वोजन बना लो आज जाति भोज है। कि स्वामी कैसी बातें करते अभी तो आपने भोजन बनवा दिया सबको जिमा दिया सब कुछ किया और अब कहते हो कि भोजन बनवा लो। कहा मैं तो अभी आया हूं मुझे पता ही नहीं भोजन हो गया। कहा सब जिम गए और इतना सामान कहां से आया। नरसिंह राम जी ने अपने नैन बंद कर लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि हे गोपाल मेरी लाज बचाने के लिए आपने मेरा स्वरूप बना लिया और मेरी लाज रखने के लिए आपने मेरा काम संवार दिया। आपका कितना उपकार आज मेरे ऊपर हुआ है ये मैं बता भी नहीं सकता। हर काम ठाकुर जी का नरसिंह जी का ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है मेरे भाई। बताओ विचार करो नरसिंह जी कुछ नहीं करते हैं सब ठाकुर करते हैं वो सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। अरे मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा काम ठाकुर जी ने बनाया है।
कमाल हो रहा है। ओ तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सरयाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए बंसी वाले की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। श्राद्ध भी हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब एक दिन नरसिंह जी जा रहे थे दामोदर कुंड पर नहाने के लिए। दामोदर कुंड पर स्नान करते थे नरसिंह मेहता। उसी समय एक भक्त ने उन्हें आवाज दी। भक्तराज भक्तराज कहो, कौन है, क्या बात है? आपसे एक विनती करना चाहता हूं। कैसी विनती, किस तरह की विनती? हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं? कहा, कल एकादशी का दिन है, मैं अपने घर पे भजन रखवाना चाहता हूं, भजन करवाना चाहता हूं। नरसिंह जी ने कहा, इसमें विनती करने की क्या बात, ये तो हमारा काम है, हरि का भजन हमारा लेना, प्रभु की भक्ति करना, हम तो यही करते हैं।
कब आना है? रात्रि को हमारे घर आप सादर आमंत्रित हैं भजन करने के लिए। नरसी राम जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो अपने आंगन को गोबर से लिपवा देना, तैयारी कर लेना, वहां बैठ के भजन करेंगे, साधु संतों के संग आएंगे। अब गोबर लेपन करने की बात कही है, बड़े ध्यान से श्रवण कर लेना, क्योंकि गौ माता के पंचगव्य में गोबर की बड़ी महिमा है। पंचगव्य जानते हो? दूध, दही, गोबर, गौमूत्र और घी। याद नहीं रहे पांचों चीजें भाई, पांच पांच बात याद कैसे रहेंगी? याद करने का भी तरीका है। गाय माता से सीधे सीधे हमको क्या मिलता है? दूध, गौमूत्र और दही, घी। घी देती है गाय माता? घी निकालते हो कि दूध निकालते हो? दूध निकालते हो ना। दूध देती है, गौमूत्र देती है और गोबर देती है। और घर में क्या क्या बनता है? दूध से दही बनता है और छाछ से घी बनता है। क्या हो गए? पंच गव्य। तो पंच गव्य में गोबर की निराली महिमा है। गाय माता के गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास है। अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गौमय वस्ते सदा। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है। गाय माता जी के गोबर से गणेश जी बनते हैं। गाय माता जी के गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हुए। बड़ी सुंदर कथा आती है, मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज एक घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षाम देही आदेश आदेश आदेश। भिक्षा मांगने के लिए गए तो वह उस घर में से एक माँ निकल करके आई और भिक्षा देने लगी। लेकिन माँ का चेहरा बड़ा उतरा हुआ था, बड़ा दुखी था। मैया को देख करके महात्मा जी ने कहा कि आप बड़ी दुखी दिखाई देती हैं, क्या कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है? संतों का हृदय तो तुरंत पिघल जाता है, किसी का कष्ट, श्रेष्ठ संत खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। माँ ने कहा बाबा जी बालक ताबर कोनी, आई दिक्कत है और कोई दिक्कत भी नहीं है, घर घर है, महल है, सोनो चांदी पैसा रुपया सब कुछ है पर संतान नहीं है। महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, भस्म निकाली और कहा माँ ये विभूति खा लेना, बालक हो जाएगा। भस्म लेकर के माँ अंदर चली गई और महात्मा जी अपने गंतव्य की ओर चले गए। 12 वर्ष के बाद घूमते फिरते मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज फिर वहीं पहुंचे कि अब तो बच्चा भी हो गया होगा, माँ का मन खुश हो गया होगा और अब तो सब मंगल होगा, बच्चा दे आएंगे, आशीर्वाद दे आएंगे और थोड़ी भिक्षा ले चले। आवाज लगाई आदेश आदेश, भिक्षाम दे। वही की वही माँ बाहर निकल करके आई और मेरे प्यारे भाई बहनों उस माँ ने भिक्षा देना चाहा, आज बाबा जी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। आज भिक्षा बाबा जी ने कहा लूंगा नहीं, क्योंकि महात्मा जी ने देखा कि माई का चेहरा पहले से भी ज्यादा उतरा हुआ था, चेहरे की मलिनता दूर नहीं हुई। कहा माँ
क्या आपका कष्ट नहीं मिटा? आपका दुख दूर नहीं हुआ? नहीं महाराज, मेरा दुख दूर हो भी नहीं सकता। क्यों मां, क्या आपने भस्म नहीं खाई, विभूति नहीं खाई? कहा नहीं बाबा जी, नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? कहा मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं आपको बता नहीं पाई, सोच संकोच में मैं आपको कह नहीं पाई। बाकी मेरे पति की मृत्यु को 5 साल बीत चुके थे, उस समय जब आप आए थे तब, और अब तो 17 वर्ष बीत चुके। मैं अगर भस्म खा लेती और मान लो भगवान की ऐसी कोई कृपा होती, कोई चमत्कार होता, और अगर मैं माँ बन भी जाती, मैं अगर माता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेती, तो यह समाज मेरी बात का भरोसा, इसलिए मैंने भस्म नहीं किया। भस्म कहाँ गई? बाबा जी, मैंने सुन रखा था कि गौ माता के गोबर में बड़ी शक्ति होती है और बड़ा शुद्ध होता है, इसलिए मैंने वह भस्म गोबर में डाल दी। कहा वो गोबर कहाँ गया? कहा गोबर तो जहां रखा था वहीं रखा है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अब तो कंडा बन गया होगा। महाराज जी, महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, कंडा उठा लाओ, गोबर का वो छाणा उठा लाओ। माई गई, गोबर का छाणा उठा लाई, और उस गोबर के छाणे को महात्मा जी ने लिया, दर्शन किए और अपनी दिव्य चेतना को याद किया, और मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने एक ऊंची पुकार में कहा, उठ गोरख, बाहर निकल, आजा। और गोबर के कंडे में से 12 बरस के गोरखनाथ जी महाराज वापस आए। ऐसी महिमा है गौ माता के गोबर, जो गोरखनाथ जी को प्रकट कर दे, वह गोबर सामान्य नहीं हो सकता, और उस गोबर को देने वाली गौ माता भी सामान्य नहीं। ऐसा ही नहीं, गोबर की और भी महिमा है। घर में अगर गाय माता का गोबर लेपन कर दिया जाए तो पवित्रता शुद्धता आ जाती है, गोबर धन घर में बनाया जाता है। छावसरी की माताएं तो गोवर्धन जी की जगह भैंस वर्धन बना देती हैं। गोबर, गौ का मतलब गौ माता, और बर का मतलब वरदान, यानी गौ माता का वरदान ही गोबर है। भैंस के तो पोटा होता है, गोबर नहीं होता। आप एक बात बताओ, भैंस के मूत्र को गौमूत्र कहते हो क्या? नहीं ना, तो उसके मल को गोबर कैसे कह देते हो? उसका मल तो मल ही है, और गौ माता का मल भी निर्मल है मेरे भाई बहन। इसलिए ऐसी गौ माता की गोबर की बात चल रही है। पहले कुछ भी होता था, किसी को तकलीफ होती, बच्चा बीमार होता, तो अस्पताल नहीं जाते थे, मंदिर में देवता के जाते थे, और देवता के जाते थे तो वहां पे बाबा जी भभूत देते थे। क्या देते थे? भभूत। थोड़ी खाते थे, थोड़ी लगाते थे, बच्चा ठीक होता था कि नहीं? क्यों भाई, उस भस्म में क्या था कि बच्चा ठीक हो जाता था? उस भस्म में कुछ और नहीं था, उस भस्म में ये था, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जब ऑक्सीजन की कमी मनुष्य के शरीर में आती है तो कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, और वैसे वायुमंडल में 21% 21% ऑक्सीजन है, लेकिन गौ माता के गोबर के कंडे की राख में 46.6% ऑक्सीजन होती है, जो हमें स्वस्थ कर देती है। इसलिए गोबर के कंडे की राख से जब मंजन करते तो दांत स्वस्थ हो जाते हैं। पहले ऐसा ही करते थे, दांत स्वस्थ हो जाते हैं, श्वास का रोग मिटता है, जिनकी किडनियों में तकलीफ है वो गोबर के कंडे की राख पानी में डाल करके सेवन करें। गोबर की राख का बहुत महत्व है। तो गौ माता जी का जो निराला गोबर है उसको सामान्य मत समझिए। सा
सामान्य नहीं समझे गोबर। और भी वैज्ञानिक प्रमाण तो इतने हैं गौ माता के गोबर के, किसी को खुजली हो गई हो ना तो गोबर लगा लो, गोबर से नहा लो। यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो सब गर्मी का मौसम आता है ना, थोड़ी थोड़ी पसीने की बदबू आती है, तो एक डिब्बा लाते हैं डियो पाउडर, ओ सेंट परफ्यूम, शरीर में खुशबू आनी चाहिए। आएगी 2 घंटा 3 घंटा बस, फिर नहीं आएगी। आप चाहो 24 घंटे आपके शरीर में से पसीने की बदबू ना आए और आपका शरीर स्वस्थ मुलायम मस्त रहे, तो सबसे प्रार्थना है कि गर्मी के मौसम में नित्य गोबर से स्नान कीजिए, एकदम स्वस्थ रहेंगे। डायरेक्ट नहीं लगाया जाता तो रस निकाल के लगा लीजिए, खुजली भी ठीक कर देता है गोबर। एक बहुत बढ़िया एक कथा आती है, अब जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने, आपकी बात भी अभी बताएंगे, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि माँ ने अटे क्यों बुलाया है गोबर, गोबर में के करा गोबर, तो मैंने तो पढ़ाई करनी है। बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। एक बार जितने बच्चे बैठे हैं प्रेम से, विद्यार्थी जितने भी, एक बार ताली दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे, बोलिए गैया मैया की। और बड़े लोग एक बार ताली सेवा करें कि पढ़ाई छोड़ करके यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, ऐसे बच्चों के लिए और उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सत्संग का महत्व समझाया। क्योंकि विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है सत्संग। तो एक अंग्रेजों के समय की घटना है, एक किसान था, किसान प्रणाम कर रहे थे अपनी तुलसी माता को, तुलसी माता को प्रणाम कर रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, अंग्रेज आया। अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों की दादागिरी चलती थी। अंग्रेज बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। किसान ने कहा तुलसी माता है, इनको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं। अच्छा तुम भी बड़े भोले वाले हो, पेड़ पौधों को भी प्रणाम करते हैं। किसान ने कहा कि भैया ये पेड़ पौधा नहीं है, तुलसी माता हमारी माता है, इनको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कहा अच्छा, अंग्रेज ने तुलसी माता को उखाड़ा, उखाड़ के फेंक दिया, ये तुम्हारी माता, ये उखाड़ी और ये फेंक दी, क्या कर लोगे। किसान ने कहा भैया आपका क्या कर लेंगे, हम तो आपके अभी आपकी बात मानना हमारी जरूरी है इसलिए मानते हैं, आपके सामने कुछ नहीं कर। मन ही मन किसान को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है। रुक जा, आज नहीं कल कर लूंगा, ठहर तो जा। अब दूसरे दिन किसान गया जंगल में, जंगल में जाके कोंच की फली ले आया। जानते हो कोंच की फली, कैमच, जो जहां सुन रहे हैं वो वहां की भाषा में सुन ले, कैमच, कैक्टस, ससाई पापड़ा, छमछमी, डोंगिया, कोंच, क्योंच, जो भी नाम है आपके यहाँ पर, जिसको लगाने से खुजली चलती है, अगर उसको छू लिया जाए तो पूरे में खुजली खुजली हो जाती है। तो वो जो कोंच थी वो ले आया, ला करके लगा दी गमले में। अब अंग्रेज के आने का समय, आज तो किसान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, किसको, कोंच को। क्यों भाई, अंग्रेज पूछेगा, अंग्रेज ने पूछा और भैया अभी ये तुम क्या कर रहे हो, का कुछ नहीं, हमारा कोंच बाप है, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, अभी बता देता हूं। अंग्रेज ने कोंच को हाथ में उठाया, उठा करके फेंका, ये तुम्हारा बाप, ये उखाड़ा, ये फेंका, बोलो क्या कर लोगे। अंग्रेज ने जैसे ही फेंका,
किसान ने मनी मन सोचा कि माँ तो मारी भोली भाली, बाप घणो खतरनाक, फेंक मजा चखाएगा तब पता चलेगा। अब जैसे ही फेंका, इधर खुजली उधर जहाँ हाथ लगाए वहीं खुजली 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 की भाई साहब यो के हो गयो कि कुछ नहीं, मारो बाप थारे पे थोड़ा नाराज हो गयो। अब भाई कोई उपाय बता दे, बड़ी खुजली चल रही, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, कुछ तो कर दे। किसान ने कहा हमारी एक और मैया है, उस मैया का नाम क्या है? गैया मैया। तो गैया मैया इसमें क्या करेगी, गोबर लाओ और गोबर से नहलाएं तो आप ठीक हो सकते हो। कहा भैया नहला दे, अंग्रेज और गोबर से नहाए लेकिन नहाना तो पड़ेगा क्योंकि खुजली ठीक करनी है। अब गाय माता जी का गोबर लाए, गोबर लगाया, रगड़ रगड़ के भरे बीच चौराहे पर नहलाया और तब अंग्रेज की खुजली ठीक हुई। अंग्रेज ने कहा भैया आज से तेरी गैया मैया को खूब मानूंगा, तुलसी मैया को बहुत मानूंगा और तेरे कोंच बाप को तो कभी भूलूंगा ही नहीं, वो तो बड़ा खतरनाक, गोबर बड़ा निराला, औषधि में भी काम आता है, पूजा पाठ में भी काम आता है, रेडिएशन से भी बचाता है और गोबर की तो बड़ी महिमा निराली है, गोबर के कंडे की राख भी फायदा करती है, ऐसी गौ माता जो गोबर प्रदान करती है। और गाय माता क्या नहीं देती, सब कुछ देती है, गौ माता तो गोबर गौमूत्र के साथ साथ हमें बुद्धि और विद्या भी देती है। मेरे भाई बहन, यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, आपके जीवन में भी गौ माता बड़े काम की है। आप सोच रहे हैं कि गाय माता का हमारे पढ़ाई से क्या लेना देना है, तो गौ माता के रोम रोम में विद्या देवी का निवास है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर गाय माता को चारा जिमा करके और गौ माता जी से प्रार्थना की जाए तो गौ माता आपको विद्या बुद्धि प्रदान भी कर सकती है। और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब चाहते हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अब पढ़ाई करने के लिए आप सोचो कि बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया किताब हो, बढ़िया गुरुजी हो, गुरुजी पढ़ाई स्कूल सब एक जैसा होता है, फिर भी एक बच्चा मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है। क्यों? स्कूल तो एक ही था, क्योंकि पदार्थ तो गुरु दे रहे हैं, पात्रता हमारे भीतर होनी चाहिए। बरसात तो बराबर हो रही है, बारिश बरसने में भेद नहीं करती कि मेरे घर ज्यादा बरसेगी आपके घर कम बरसेगी, ऐसा होता है क्या? बरसात तो बराबर आती, मटके तीन रखे हैं ना चार रख दो, एक मटका सीधा है, एक मटका टेढ़ा है, एक मटके में छेद है और एक मटका उल्टा है, पानी किस में आएगा? सीधे में आएगा, तीन में पानी आएगा, कितने में? तीन में आएगा, सीधे में भी आएगा, टेढ़े में भी आएगा और जिसमें छेद है उसमें भी आएगा। सीधे में पानी आएगा तो मटका पूरा भर जाएगा, टेढ़े में पानी थोड़ा कम आएगा, छेद वाले में पानी बराबर आता रहेगा लेकिन टिकने वाला नहीं है। माता टेंशन में आ गई कि छेद है तो भी पानी कैसे आएगा, आएगा तो है ही ना, निकल जाएगा, और जो उल्टा पड़ा है उसमें तो पानी आने वाला। तो पात्रता हमारे भीतर होनी चाहिए, बरसात बराबर होती है, पात्र हमारे हम होने चाहिए, श्रेष्ठ पात्र होना चाहिए। अब बच्चे जितने भी बैठे हैं, पात्रता लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दो चीजें चाहिए, तेज बुद्धि और आलस्य रहित शरीर। आलसी बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता और पढ़ाई नहीं कर सकता तो आगे नहीं बढ़ सकता। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। पढ़ने के लिए आलस्य रहित शरीर चाहिए और आलस्य मिटाना है तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता जी के महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जैसा अन्न खाएगा उसका तन मन वैसा होता चला जाएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन और तन। और गाय माताओं का दूध तो आज मिलता नहीं बच्चों को,
डेरी का या भैंस का दूध जो पी रहे हैं, गौ माता का जो पी रहे हैं, उनकी तो बुद्धि बड़ी तेज होगी। जिनको नहीं मिलता, जिनको भैंस का, जर्सी का, डेरी का दूध मिलता है, फिर मेरे भाई बहनों गड़बड़ होती, क्योंकि भैंस तो एक नंबर का निहायत ही आलसी जानवर है। खा पी करके चारों पैर पसार के पड़ी रहती है, बैठी बैठी वहीं पेशाब करती रहती है, और थोड़ी देर बाद उसी मूत्र में पूंछ डुबा के चारों तरफ घुमा के नहाना धोना भी कर लेती है। तो और गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करती, गौ माता खड़ी होकर के मूत्र त्याग करती। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए उठने में आलस आ रहा है, ऐसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों को क्या आएगा? माताएं बहने कहती कि आजकल का झोरा झोरी तो उठे ही कौन। तो दादी जी, गाय माता का बछड़ा गौ माता का दूध पीने के बाद उछल कूद मचाता है पूरे गांव में, और भैंस का पाड़ा एक कोने में पड़ा पड़ा नींद निकालता है। अगर गौ माता का दूध पिलाओगे तो बछड़े की तरह उठ जाएंगे, और भैंस का पिलाओगे तो पाड़े की तरह पड़े रहेंगे। इसलिए गाय माता का दूध पिलाएं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, आलस रहित शरीर चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो गौ माता का दूध सेवन करें। और बुद्धि बढ़ानी है तो भी, क्योंकि गौ माता की बुद्धि तो बड़ी तेज होती है। कोई भी अनजान गाय माता आए, आप रोटी जिमा लीजिए, दूसरे दिन उसी समय आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है, इस भक्त ने मुझे रोटी जिमाई थी, और भैंस को तगारा भर के उबली के बालाजी से ला करके पेड़े खिला दो तो भी दोबारा दर्शन होने वाले। भूल जाती, कहते हैं ना अक्कल बढ़िया, इसलिए तो बच्चों को अगर बुद्धि बढ़ानी है और अगर विवेक बढ़ाना है तो गौ माता का दूध पीना है, क्योंकि गौ माता के दूध में सेरिब्रोसाइड होता है, कैरोटीन होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो हमारे बुद्धि को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो हमारे शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। इसलिए गौ माता का दूध जो पीला होता है, स्वर्ण युक्त दूध होता है। कई बच्चे च्यवनप्राश खाते हैं, कोई बच्चे बॉर्नविटा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन गाय माता का दूध पिया जाए तो प्राकृतिक स्वर्ण उसमें पाया जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से गौ माता, गाय माता की रीढ़ की हड्डी में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, वह सूर्य नारायण की किरणों में से स्वर्ण तत्व लेकर के दूध में मिला देती है। इसलिए गाय माता के दूध का रंग पीला होता है मेरे भाई बहनों, और ऐसे पीले दूध को पीने से बुद्धि बढ़ती है, विद्या आती है। बच्चों से निवेदन है कि जो बुद्धि बढ़ाना चाहे गौ माता का दूध पिए, गाय माता की परिक्रमा करें और गाय माता की शरण ले लें, निश्चित रूप से बुद्धि भी बढ़ेगी। सत्यकाम नाम के बालक का प्रसंग आता है पुराणों में, जाबाल के पुत्र थे अगर, और पढ़ने के लिए गए लेकिन उनको उनका गोत्र पता नहीं था, तो गुरुजी ने गैया चराने भेज दिया और स्वयं नंदी बाबा ने उन्हें वेदों का उपदेश किया। और मेरे भाई बहनों, चारों वेदों का ज्ञान गौ माता की कृपा से सत्यकाम ने प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने बच्चों को गौ माता का दूध पिलाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, उन्नति करवाइए और गौ सेवक बनाइए। तो गौ माता के गोबर की बड़ी निराली महिमा है, गाय माता का गोबर बड़ा ही निराला है, अद्भुत है। इस धरती, वैसे इस राजस्थान की धरती पर तो गौ माता की बड़ी सेवा होती है, ऐसा नहीं है कि कम होती है, बहुत होती है, अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर भी प्रार्थना है कि और इस सेवा को बढ़ाएं और इस भूमि की महिमा को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू और सीकर, इस क्षेत्र की बड़ी निराली महिमा है। हम यहाँ पर बैठे हैं तो बड़ी ही पवित्र भूमि पर बैठे हैं, और बड़ा सौभाग्य कि इस धरती पर आने का अवसर हमको मिला है, क्योंकि यह सामान्य धरती नहीं है। इस धरती पर तीन चीजें हैं जो स से शुरू होती हैं। किससे? स से, सैनिक, सती, और बता दो तो मान जाऊं कि राजस्थानी हो। आज तो पूछ के रहेंगे, सैनिक, सती और झुंझुनू के मुख्य चीज को भूल गए हो,
सैनिक शहीद आ गया, सैनिक सती और सेठों की भूमि है मेरे भाई बहनों झुंझुनू, भूल गए क्या? ये शेखावाटी धन की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि गाय माता है यहाँ पर, इसलिए सामान्य नहीं है मेरे भाई बहनों। और पूरे राजस्थान की बड़ी महिमा है, पूरे राजस्थान की ये वो भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने गाय माता के हित शेर से लड़ाई कर ली मेरे भाई बहनों। जब उन्होंने देखा कि शेर गौ माता की तरफ आ रहा है, प्राणों की परवाह नहीं करी और महाराणा प्रताप ने शेर के जबड़े को फाड़ करके फेंक दिया। यह वह भूमि है जहाँ पर पन्ना दाय ने अपने चंदन का बलिदान दे दिया, यह वो भूमि है जहाँ पर सतियों ने अपना बलिदान दिया। अपने पास में ही झुंझुनू में मेरे भाई बहनों रानी सती जी का मंदिर है, अपने कैड में खेमी सती जी का मंदिर, कितना सुंदर स्थान है। और आज इस कार्यक्रम के जितने भी मेहमान आए हैं और जितने भी संगीत मंडली है, आप सभी चैनल वाले भाई हैं, सदस्य हैं, बाहर से आए, सबकी व्यवस्था कैड मंदिर में की गई है और पूरी तरह निशुल्क सेवा। एक एक व्यक्ति को बड़े प्रेम से पूछते हैं, वहाँ का व्यवहार, वहाँ की सेवा, और बड़ा रमणीक स्थल है मेरे भाई बहनों। बोलिए सती मैया की जय हो। ये सामान्य भूमि नहीं है, यह वह भूमि है जहाँ पर सब कुछ है। लेकिन कब तक रहा? जब तक यहाँ गौ माताओं की सेवा रही, क्योंकि जहाँ गौ आनंद से घूमती है वहाँ सुख समृद्धि सामर्थ्य सब कुछ होता है मेरे भाई। इसलिए अपनी उस ताकत को याद करो, अपने उन वीरों को याद करो जिन्होंने गौ माता के हित शीश कटाना पड़ा तो कटा दिया, लेकिन गाय माताओं को भूखा नहीं मरने दिया मेरे भाई बहनों। उस धरती पर बैठे हैं आप और हम, इसलिए निवेदन है कि इस गौशाला में बहुत कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, सब में लेकर, कोई धन लगा रहा है, कोई समय लगा रहा है, फिर भी गाय माताएं अगर कष्ट में है, क्योंकि गाँव वाले अगर पूरा ध्यान दें, आपका कर्तव्य बनता है कि आप सप्ताह में कम से कम एक बार आइए, अपनी सेवा दीजिए, गुड़ दलिया जिमाइए, चारा जिमाइए, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, दाल बाटी यहीं बनाइए, सब कुछ कीजिए, आइए तो सही। एक सप्ताह में एक परिवार भी आएगा तो गौ माताओं को अच्छा लगेगा। सिर्फ चारा खाने से गाय माता मोटी नहीं होती, एक घर में एक गाय माता होती, आप उनको रोज सहलाओ और उनसे प्रेम भरी बातें करो और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करो तो चारे से नहीं, गौ माता हमारी प्रेम पाकर के प्रेम देती है और हष्ट पुष्ट हो जाती है। जरूरत है यहाँ की गौशालाओं को गांव के प्यार की मेरे भाई बहनों, गांव की एकता की, तभी ये गौ माताएं खुश रहेंगी, अन्यथा नहीं रहेंगी। बोलिए गैया मैया की जय हो। तो बात चल रही थी मेरे भाई बहनों की, आप भक्तराज को किसी ने निमंत्रित किया है भजन के लिए और गोबर लेपन करने के लिए कहा। भक्तराज ने कहा कि गोबर लीप करके आप भजन की तैयारी कर लेना। भक्तराज वहां रात भर चले गए, पत्नी की तबीयत खराब है मणिक गौरी की, तो फिर भी चिंता नहीं की, दो शब्द बात की, रात भर भजन किया और भजन करके जब भक्तराज लौटे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मच गया है कि ये भगत तो नीची जाति के यहाँ भजन करने गया। अब भजन ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता, जाति समाज नहीं देखता, भजन तो भक्ति देखता है, भक्त तो भक्ति देखता है, भक्त तो समर्पण देखता है। पूरे गांव के लोगों ने नरसिंह राम जी का बहिष्कार कर दिया, समाज से बाहर कर दिया। इस बात की नरसिंह राम जी को कोई खबर न, उनको कोई मतलब ही नहीं, कोई कुछ भी सोच, अपने को भजनों से मतलब है। लेकिन मेरे कन्हैया ने उसका भी आनंद लिया। अनंत राय नाम के यहाँ पर जब उनके यहाँ श्राद्ध था, पूरा समाज जिमाया, तो कहते हैं मेरे भाई बहनों नरसिंह राम जी को नहीं बुलाया। अब नरसिंह जी को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उनकी सब खबर रखते हैं। ठाकुर जी आए और भगवान ने ऐसी लीला रची कि जैसे ही पूरा समाज भोजन करने बैठा, हर व्यक्ति के पास एक एक बिल्कुल नीची समाज का व्यक्ति, जिसको लोग पानी नहीं पिलाते, जिसको लोग घर में नहीं घुसने देते, ऐसे अंत्यज को बैठा देखा, सब उठ के खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है? तब सबने मिलके सलाह करी और भगवान की ये लीला देख करके नरसिंह राम जी को फिर अपने समाज में सम्मिलित कर दिया, उनको बुलाया, तब वो भोजन
हो पाए, अन्यथा नहीं हो पा रहा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अब भगवान की कृपा बनती रही। वापिस जब नरसी जी आए भजन करके, तो मणि की गौरी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कृष्ण कृष्ण कह के प्रभु में विलीन हो गई। नरसी जी भी दुखी हुए कि साथ ही चला गया, लेकिन मन में ये कहा कि भलो थयो जो भागी गयो जंजाल, अबे मु प्रेम ती जपी सकूं हरि गोपाल। उसमें भी ठीक है, हरि करे सो खरी, जो करते हैं भगवान सब अच्छा करते हैं। मध्य में अब आगे बहुत ही सुंदर नानी बाई के ससुराल का वर्णन आता है। उससे पहले आदरणीय गौशाला के अध्यक्ष साहब, आपसे प्रार्थना है, पहले दानदाताओं की जो कृपा हुई है कार्यक्रम पर, उनके लिए 5 मिनट आप घोषणा करें, ताकि जितने भी भक्त बैठे हैं उन्हें ये संदेश मिले कि आपको भी सबको मिलकर के साथ देना है, सहयोग करना है। आप यहाँ पर पधार जाएं और कार्यकर्ता माइक उपलब्ध करवाएं बड़ी शीघ्रता से। स्वागत, महंत जी हमारे मध्य पधारे हैं, बालाजी से जगदीश प्रसाद जी पुजारी, एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। हनुमान जी के भक्तों का आगमन कथा में होना बड़ा ही आनंददायी होता है। मध्य में 5 मिनट की यह परंपरा है, उसके बाद हम फिर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी हमारे बालाजी धाम के पुजारी श्री जगदीश जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे गांव के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री हरिराम जी मिश्री द्वारा जगदीश जी पुजारी का स्वागत किया जा रहा है। अब सब लोग एक बार ताली बजाइए। हमारे जो भी दानदाता इस गौशाला को, इस गरीब गौशाला को जिन्होंने ऊपर उठाया है और इसमें जिनका दान आया है, उनका मैं सम्मान करता हूं और उनकी लिस्ट में प्रेषित करता हूं। हमारी जो ये गौशाला है, ये 2002 से स्थापित हुई है, तब से बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन आज गौशाला अपने पैरों पर है। फिर भी इस गौशाला को हमारे यहाँ जितनी भी गायें हैं वो सब की सब नकारा दूध देने वाली नहीं है, केवल सेवा करने वाली, सेवा गायक हैं वो। कोई बीमार है, कोई अपंग है, इस तरह की गायें यहाँ आती हैं, उनकी हम सेवा करते हैं जितनी होती है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इस हमारी गरीब गौशाला की आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे तो आपको बहुत पुण्य होगा। ये वो गायें हैं जो आपकी मदद की तरफ से, आपकी मदद की ओर झांक रही हैं, आपकी मदद की ओर ताक रही हैं। इनको हर चीज़ की ज़रूरत है, वो हम धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा फंड बहुत कम है, इसलिए आप सब लोगों से इसकी सहायता के लिए मैं पुनः अपील करता हूँ कि हमारी गौशाला की आप भरपूर मदद कीजिए और गायों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गायों का आशीर्वाद निश्चित ही फलित होता है। अब मैं ज़्यादा समय इसमें न लेकर के ये लिस्ट आपके सामने प्रेषित करता हूँ। 11,000 रुपये श्री देवी सिंह जी, अनूप सिंह जी शेखावत के द्वारा, 5,100 रुपये तारा चंद जी गुप्ता भोड़ की, 1,100 रुपये अर्जुन लाल जी केडिया केड, 5,100 रुपया गुगन राम जी, रामेश्वर लाल मेघवाल छावश्री, 100 रुपया बाबूलाल जी श्रीराम नारनोलिया, 500 रुपया सुरेश कुमार कुर्डाराम झाझड़िया, 101 रुपया महावीर प्रसाद कुमावत चिड़ावा,
₹500 हेतराम जी शिवनारायण जी चौधरी मैनपुरा ₹500 गुप्त दान ₹251 सतवीर सनोफ हनुमान राम जी गुजर छावश्री ₹100 रमेश कुमार सहल लखी प्रसाद तालियां बजा करके सभी कार्यकर्ताओं का दान दाताओं का ₹600 भंवर सिंह जी अमर सिंह जी छावश्री ₹100 बीरम ओगड़ी सनोफ गिरधारी गोगड़ी झालावाड़ ये मजदूर थे यहाँ टेंट हाउस में मजदूरी करते थे इन्होंने भी ₹100 दिया है ₹500 प्रकाश चंद्र मालाराम मेघवाल छावश्री ₹1,051 ठाकुर साहब हनुमान सिंह जी जवानपुरा ₹1,100 कर्ण सिंह जी तंवर दांतिल जिला जयपुर ₹1,100 अजीत सिंह जी अमर सिंह जी शेखावत छावश्री ₹250 कैलाश चंद्र सोनी बुगाला ₹100 बनवारी लाल जी सैन छावश्री ₹1,100 मनीराम जी खेदड़ खेदड़ों की ढाणी टिटनवाड़ ₹1,100 गिरधारी लाल कुमाऊत गुड़ागोड़ जी ₹2,100 सांवरमल जी शर्मा खिवासर ₹1,000 दयानंद जी जाट नंगली सलेदी सिंह ₹500 महेंद्र सिंह जांगिड़ बीरबल राम छावश्री ₹100 श्रीमती कमलेश देवी जी वाइफ ऑफ श्री जय सिंह जी योगी छावश्री ₹2,100 अर्जुन जी अध्यापक पाजी की ढाणी नांगली सलेदी सिंह अमर सिंह जी बाल सिंह जी शेखावत ₹200 गोकुल जी सनोप धुड़ाराम जी ₹100 घीसाराम जी बाल्मीकि छावश्री घीसाराम जी बाल्मीकि छावश्री ₹5,100 अभी कुछ एक और है ₹500 मोहनलाल जी PA2 कलेक्टर पूर्व अमीरवास ₹1,100 श्री सुगंध सिंह जी टिटनवाड़ ₹1,100 श्री जगमाल सिंह जी श्री नेहरू सिंह जी टिटनवाड़ ₹3,100 बाबूलाल जी कानोडिया बड़ौंदा कला तालियों से अभिवादन करते रहे ₹5,100 संजीवनी वेट हॉस्पिटल गुढ़ा ₹5,100 मंजी सनोप चंदगी राम जी कुमावत केरोप श्री हरिराम जी के द्वारा आए हैं ये जो गोपाल कृष्ण मंदिर बन रहा है हमारे गौशाला में गोपाल कृष्ण मंदिर बन रहा है उसके ये निर्माता है चंदगी राम जी के लड़के जिन्होंने मिलकर ये मंदिर बना रहे हैं ₹6,100 यहाँ की महिला संगीत मंडल छावश्री ₹551 झाबरमल जी सहल ₹100 जगदीश जी जांगिड़ बड़ा गांव ₹100 कर्ण सिंह जी शेखावत छावश्री ₹100 किशोर सिंह जी छावश्री ₹500 उमेद सिंह जी की माता जी की तरफ से छावश्री ₹101 उज्ज्वल व्यास सुजानगढ़ ₹100 ओम प्रकाश स्वामी छावश्री ₹1,100 महिलाओं की तरफ से गुप्त दान का आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं जिन्होंने यहाँ गौशाला में सहायता की है और ये सदा ही गौशाला की सहायता करते आए हैं जो आज की लिस्ट है वो हमने आपको सुनाई है पुनः मैं आपको एक बार फिर निवेदन इस गौशाला की आप सहायता की तरफ देखिए और इसकी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमारी गौशाला अपने एकदम से सबसे इस ज़िले में नाम हो कि छावश्री की गौशाला बहुत बढ़िया है ये लोग कहें ऐसा हमारा प्रयास है धन्यवाद अभी कुछ हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका ये गौशाला सम्मान करना चाहती है वो सम्मान के योग्य हैं इनमें मैं नाम पुकारता हूँ कृपया आगे आएं और अपना सम्मान ले सुरेश जी शर्मा हुकमपुरा इन्होंने हमारा हौसला ही नहीं बढ़ाया हमको बहुत जगह से पैसे ला ला करके दिए इनका सबसे बड़ा योगदान है बहुत बड़ा योगदान है तालियां बजाइए इनके लिए अब मैं नाम पुकारता हूँ श्री नंद किशोर जी शर्मा केड सती श्री नंद किशोर जी शर्मा हमारे केड सती पर व्यवस्थापक है बहुत ही बढ़िया सेवा आप दे रहे हैं और बहुत समर्पित हैं इस आयोजन के लिए तालियां बजा करके देखिए हमारी दीदी ने इनकी सेवाएं देखी है उनकी प्रशंसा के लिए मैं क्या कहूँ ये हमारी समय समय पर आवास व्यवस्था और जैसी भी व्यवस्था होती है वो सब करते हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम अब आगे है हरिराम जी महिला एक ऐसी शख्सियत है जो 2002 से इनके ओरिजिनल इनके प्रथम फाउंडर ये मेरे कंधे से कंधा मिला करके इस गौशाला की स्थापना करने में योगदान दिया है और उस समय से अपना पूर्ण टाइम दे रहे हैं पूरा टाइम दे रहे हैं
इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए जोर से। अब मैं बुला रहा हूँ राणा श्री श्याम जी खींची, श्याम जी खींची, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये इस गौशाला के लिए पागल हो रहे हैं। इतनी दौड़ लगाते हैं कि खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं, और कई कई बार तो इस ध्यान में कई बातें भूल भी जाते हैं। आइए श्याम जी, श्याम जी ने दो दो पांच पांच 500 100 200 रुपए इकट्ठे कर करके 1,00,000 रुपए इकट्ठे करके ये बाउंड्री बनवाई और अध्यक्ष साहब के कार्यों में सहयोग दिया। और अध्यक्ष साहब जो इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी इस गौशाला का साथ दे रहे हैं और आप अध्यक्षता निभा रहे हैं, आपके लिए भी तालियां बजा दें सम्मान में। अब मैं नाम बोल रहा हूँ हनुमान प्रसाद सहल, पुत्र श्री गोविंद राम जी सहल। इन्होंने 73,500 रुपया लगा करके खेल और लाशें आदि में निर्माण कार्य में 73,500 रुपये का सहयोग दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ श्री सुरेश कुमार टेलर, सुरेश कुमार टेलर हैं, खैर कल देखेंगे, उन्होंने भी 28,500 रुपये दे करके यहाँ के निर्माण में सहयोग दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ नंदलाल पुत्र स्वर्गीय पुष्कर लाल जी पारिक, जिन्होंने 1,25,000 रुपये दे करके गौशाला का। और भी कोई जो बैठे हैं जो अपना नाम बोलना चाहते हैं गौ माता के लिए, अभी जिनके मन में उत्साह आ गया है और अपना नाम भी लिखा है, दान राशि प्रदान करें। अभी समय है हमारे पास, हमारे जीवन के उत्थान का। आप गौ माता के चरणों में बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, जो भी राशि आप देना चाहते हैं, जितनी भी, भले ही वो 10 रुपए क्यों नहीं है, आप एक बार अपनी घोषणा करवाएं ताकि गौ माता स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। 5100 रुपया हमारे मिस्त्री श्री लीलाधर जी कुमावत, बजरंग लाल जी के पुत्र, जो यहाँ बजरंग लाल जी इनके भाई है, बजरंग लाल जी और ये लीला जी, एक कार्यकर्ता पुरुषों के मध्य में पहुँचे जो घोषणा करवाना चाह रहे हैं, उनकी घोषणा लेकर यहाँ के निर्माण कार्य में बहुत सहयोग किया है लीलाधर जी। अब है श्री कुरड़ा राम जी झाझड़िया, उनके पुत्र है क्या कोई, इन्होंने हमको 7 साल से गौशाला में पानी फ्री दे रहे हैं, गायों के लिए पानी फ्री दे रहे हैं। कुरड़ा राम जी के पुत्र है कोई, ठीक है कल आ जाएंगे। एक हमारे यहाँ के भामाशाह समझिए गोकुल जी केडिया, जो अभी सूरत में है, उन्होंने भी हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया है, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। गुगन राम जी मेघवाल ठेकेदार, आज वो जयपुर गए हुए हैं, उनका भी हमको बहुत बहुत सहयोग मिला है। और फिर नाम आ रहा है अमर सिंह जी गुढ़ागोड़ जी, हमारे टेंट के ठेकेदार अमर सिंह जी, अमर सिंह जी का स्वागत। दिन रात लग करके यह निशुल्क सेवा आपने गौशाला के तौर प्रदान की, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अमर सिंह जी के लिए। अमर सिंह जी गायों के प्रति समर्पित हैं, इन्होंने हमको बहुत सहायता की है। जयराम जी कुमावत, जयराम जी कुमार, इनकी जैसी भी जब भी हमने कहा तो ये केवल तेल के ऊपर चलाते थे कि तेल ले जाओ, कितना भी काम करो तेल डलवाओ। इन्होंने हमको बहुत सहयोग किया जयराम जी कुमार ने। अब मैं पुकारता हूँ श्री राणा हनुमान सिंह जी जवानपुरा को, हनुमान सिंह जी जवानपुरा पधारिये साहब, इन्होंने हमको आर्थिक सहयोग अपने गाँव से ला करके दिया है, बहुत बहुत सेवा भावी है, इनका योगदान भी बहुत बड़ा है। हरदयाल सिंह जी शेखावत, हरदयाल सिंह प्लीज डू कम। हरदयाल सिंह जी ने इस गौशाला को समय समय पर संभालते रहे हैं, वर्क करते रहे हैं। एक इनके साथ ही भोला राम जी जांगिड़, ये दोनों गौशाला को बार बार संभालने में, यहाँ के काम में बड़ा सहयोग दान दिया है। अब मैं दो तीन और हैं, 200 रुपये श्री सुमेर सिंह जी, श्री कृष्ण सिंह जी छावश्री, 100 रुपया राधे सिंह जी टीटनवाड़, 200 रुपया भैरू सिंह जी की माता जी टीटनवाड़ ने यहाँ गौशाला में भेंट किया है। श्री राम। अब हमारे पुजारी जी बालाजी के, जो यहाँ विराजमान है, उन्होंने 21,000 रुपया
गौशाला की सहायता करके हम हमारी मदद की है। हमारे हुकमपुरा के श्री सुरेश कुमार जी शर्मा के द्वारा भी हमको भाई जो भी माताएं कुछ बोलना चाह रही हैं 30,000 रुपए मिले हैं। अच्छा देखिए हमारा ये टीवी रील जो देख रहे हैं जयपुर से उन्हें देख करके हमारे टीवी पर देख करके 1100 रुपए भिजवाए। ताली बजाइए आप सभी उपस्थित हैं यहाँ पे जो नई उपस्थित हैं। महेंद्र सिंह जी मूल सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए आए। 500 रुपए नथू सिंह जी मनोज सिंह जी कहाँ के छाव श्री के 100 रुपए भवनलाल जी कुमाऊं टीटनवाड़ 551 रुपए सवाई सिंह जी गिरवर सिंह जी की तरफ से 500 रुपए हमको मिले हैं केड़ से अमीर नाजा जो एक बहुत बड़े कब्बाल हैं। हमारे नाजा साहब जो केड़ के हैं और वैसे ये अहमदाबाद में अपना धंधा करते हैं। इनका नाम है इन कब्बालों में बहुत बड़ा नाम है 100 रुपए श्री लक्ष्मण सिंह जी राठौर खेवा सर के इन्होंने 500 रुपए पूजनीय संत महानुभाव का हमारे मध्य आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप 100 रुपए श्री कर्ण सिंह जी संतों को संतों का आशीर्वाद लें और सम्मान 500 रुपया श्री लक्ष्मण सिंह जी खेवा सर के द्वारा प्राप्त हुए। धन्यवाद। 1100 रुपए श्री छोटेलाल जी जांगीर सोनथली के द्वारा प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। गौ माताओं के हितार्थ इस गौशाला में 100 रुपया से लेके 25 लाख तक देने वाले भक्त यहाँ पर बैठे हैं। जिनका सामर्थ्य है वो तो देते ही है और जिनका सामर्थ्य ना होते हुए उनके 10 रुपए भी 10 लाख के बराबर होते हैं मेरे भाई। अब श्री जगमाल सिंह जी पोसाना से आए हैं, अभी जयपुर से आए हैं ये और ये भी गायों की सेवाएं करते रहते हैं। काली सेवा करके आपका अभिवादन। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है बैठ करके पुनः अपनी सूची तैयार करें। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। श्री पधारे भाग्य हमारे। जयजारा ने भी 500 रुपए दे करके गौशाला की सहायता की। बोलिए गैया मैया की। दोनों हाथ उठा के आवाज बड़ी जोर से आनी चाहिए। बोलिए गौ माता की। शीघ्रता करें कार्यकर्ताओं से प्राप्त। उमेश सिंह जी किशोर सिंह जी खिवा सर 500 रुपया। सरदारा राम जी पायल खिवा सर 500 रुपये दिए। गोपाल जी शर्मा दूधवा वाला 211 रुपये। तारीख लगा भाई। मदन लाल जी योगी छावश्री 100 रुपये। रामधन जी कालूराम जी चेजारा 100 रुपये। जगमाल सिंह जी श्री मूंगाराम जी पोसाना 1100 रुपये। ताली बजाते रहे आप सभी। शंकर लाल जी नारनोलिया 500 रुपये। श्री राम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः कथा में प्रवेश करेंगे सभी बड़े प्रेम से। अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, अभी हमें कथा श्रवण करनी है। बोलिए गौ माता की जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी
का चिंतन करो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त नरसी मेहता जी की भक्ति गाथा है जिसमें गौ माता की कृपा तो है ही, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी निराली कृपा है। मणिक गौरी के मृत्यु के बाद, मृत्यु भोज होता है ना, किसी के भी मृत्यु के बाद मृत्यु भोज जब होता है तो नरसी राम जी ने मन में यही विचार कर लिया कि दो चार लोगों को जिमा देंगे और हो जाएगा अपना काम। आत्मा की शांति के लिए तो इतना ही बहुत होता है। लेकिन सारंग धर पहुंच गए नरसी राम जी के यहाँ पे कि भाई पूरे समाज को जिमाना पड़ेगा। तब कहते हैं कि चिंतित हुए, भगवान को कह दिए। और उसी समय बाहर के कुछ यात्री थे, वह यात्री हुंडी लिखवाना चाहते। हुंडी समझते हैं? हुंडी लिखना समझते हैं? पहले लिखी जाती थी, आजकल बैंक का सिस्टम हो गया कि यहाँ जमा करा लो फिर आगे एटीएम से निकाल लो। वैसा सिस्टम पहले था कि यहाँ जमा करवा दिए और चिट्ठी मिल जाती थी, आगे चिट्ठी दिखा दो तो पैसे मिल जाते थे, क्योंकि रास्ते में चोर डाकुओं का बड़ा भय रहता था। अब गांव के चौपाल पर लोग बैठे थे, वहां वो यात्री आए और यात्रियों ने आकर के कहा कि भाई जी अठे हुंडी कुंड लिखे, बता दो भाई कोई हुंडी लिख तो हो जाए तो काम बन जावे। जूनागढ़ तो ब्राह्मण नागर ब्राह्मण समाज के लोगों का गांव है, धन तो है ही। हंसते हंसते सबने मजे में लिया और नरसी जी का घर बता दिया, वो लिखते हैं। अब नरसी जी वहां पहुंचे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। अब क्या करें, मना तो कर नहीं सकते, किसी बात के लिए मना कभी किया नहीं नरसी राम जी ने। और नरसी राम जी ने मेरे प्यारे भाई बहनों वहां पर विचार करो, हुंडी लिख दी। अब किसके नाम? ठाकुर जी के नाम। लेकिन ठाकुर जी के तो कई नाम है, किस नाम से लिखे, किस नाम से लिखे। अब लिख तो लिया कि भाई 700 रुपए जमा करें और 700 रुपए देने, लेकिन ऊपर क्या लिखें, क्योंकि उसको तो भगवान को तो पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं, आगे वो भगवान जाने किस नाम से मिल जाएंगे। और नरसिंह जी मन में चिंता की और लिख दिया कि सेठ सामल शाह के यहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे। 700 रुपए जमा करके सारे चले गए और इधर 700 रुपए में नरसिंह जी ने अपनी पत्नी का जो मृत्यु भोज होना था वो करवा दिया। अब आगे गए वो यात्री, पूरा द्वारिका छान मारा लेकिन उनको सेठ नहीं मिला। एक एक दुकान पे जाके पूछते कोई जानता है सामल शाह को, लेकिन कोई जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। पूरा थक हार के बैठ गए कि हाय राम कोई धोखा दे दियो, गड़बड़ हो गई, जाएगा कहाँ, गांव छोड़ के चला जाएगा क्या। अभी देखते हैं जा करके कैसे उसने हुंडी लिख दी, पता चलता है कि नहीं चलता है। बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इतने में कुछ भाइयों ने बोला ऐसा करो चिंता मत करो, अब रात होने वाली, एक बार और पता कर लेते, हो सकता है मिल जाए, हमारी कोई चूक हो गई। पता करने गए, वही ठाकुर जी को याद आई, अरे ये तो यहाँ मुझे ढूंढ रहे हैं।
और नरसिंह जी ने मेरे नाम की चिट्ठी लिखी है। तुरंत सेठ का रूप बनाया, अपनी चौकी जमाई और मुनीम जी बिठा लिए पास में, अक्रूर जी को बढ़िया चश्मा उस्मा लगा कर। अब वो जब पहुंचे जाने ही लगे, सोचा अंतिम जगह यहाँ पूछ लेते हैं। चिट्ठी दिखाई कि भाई जी सेठ सामल साह से मिलना है। तो कहा मैं ही तो हूँ सेठ सामल। अब उनके जान में जान आई कि रुपए कहीं गए नहीं है, अपने को वापस मिल गए। सामल साह ने, सेठ सामल साह ने नरसिंह जी का जो पैसा था वो चुका दिया और आज नरसिंह जी का ये काम भी बन गया। लेकिन अब चलते हैं। कुंवर बाई नानी बाई के यहाँ पर बड़ी दुखी है नानी बाई। कहा है कि नानी बाई परेशान है ससुराल में, सासू ननद देवर सब एक पक्ष में, और कुंवर बाई बड़ी दुखी है मेरे भाई बहन। इसलिए अब कथा प्रवेश करती है मुख्य मायरे में, जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आप आस लगाए बैठे हैं। लेकिन मायरा आज नहीं भरेंगे, मायरा कल भरेंगे। और अभी से घोषणा सुन लीजिए, जिसको भी मायरा भरने की इच्छा है वो आज ही नाम लिखा देना। कितना? 56 करोड़ का। सामर्थ्य अनुसार अपना नाम लिखा दीजिएगा, इसका जो सामर्थ्य है, क्योंकि अभी तय नहीं किया है। ये सौभाग्य वही प्राप्त करेगा जिस पर गाय माता की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि गौ माता की कृपा होगी तभी जा करके हम गाय माताएं स्वस्थ रहेंगी, और गौ माताएं स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे मेरे भाई बहनों। कुंवर बाई के बारे में वर्णन आता है कि बड़ी ही दुखियारी होकर के बैठी हैं, क्योंकि कुंवर बाई के ससुराल वाले उन्हें बड़ा कष्ट देते हैं। नरसिंह जी डिकरी में नानी बाई नाम, नरसिंह जी डिकरी में नानी बाई नाम, राम जी नरसिंह जी डिकरी में नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के ग्राम में नगर अंधार सुराम, राम जी ब्याही श्री रंग दरा में नगर अंजार सुग्राम, जासु पुता के लगन को श्री रंग कियो उछाप, राम जी जासु लता के लगन रो श्री रंग कियो उछाप, न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल रोगा, राम जी न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल रोगा, चल प्रभु सारे सब काज, भगत वचन प्रभु सारे सब काज, नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने राम जी, नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने राज, ओ सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। बड़ी निराली मायरे की कथा है, लेकिन समय पूर्ण होने जा रहा है, ये कथा पूर्ण कल की कथा में श्रवण करेंगे। और भी कई विषय हैं जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पधारे सभी संतों के चरणों में नमन है, महंतों को प्रणाम है, आग्रह है श्याम जी शीघ्रता पूर्वक पधार करके अपने आनंदमयी भजन को सबको श्रवण करवाएं, पश्चात शीघ्रता करें, समय बड़ा कम है हमारे पास।
एक बड़ा मधुर, बड़ा आनंदमयी, बड़ा प्रेममयी भजन हम श्रवण करेंगे। उसके बाद हम आरती की ओर बढ़ेंगे, आरती करेंगे और कल समय पर सभी को उपस्थित रहना ही है। सब और भी जो भक्त बाकी रह गए हैं सबको लाए और कल मायरा भरा जाएगा। तो कल मायरे में आपको साड़ी, चुनरी, बिंदी, टीकी और भी बहुत सामान होता है, कुछ भी ले करके नहीं आना है, कुछ भी लाना नहीं। क्या लाओगे? हमारा ये पूरा मायरा गौ माता के प्रति समर्पित है, इसलिए प्रार्थना है कि अपने घर से थोड़ा गुड़, थोड़ा बाजरा, गेहूं, जो अनाज है वो आप लेकर के आएंगे। भले ही जिसके पास एक किलो है एक किलो लाएं, एक मुट्ठी क्यों ना लाएं, गुड़ की एक डली लाएं, सब लेके आए, क्योंकि कथा के बाद भंडारा किया जाएगा और सब गाय माताओं को जिमाया जाएगा, सबका अंश लगना चाहिए। यही आज का मायरा होगा। वरना मेरे भाई बहनों, चार चूड़ी, बिंदी, साड़ी, घाघरे, लुगड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। ये आप अपने घर पे जो मायरा हो उसमें देना, या तो कुछ ना कुछ अनाज लेके आना, कुछ गुड़ लेके आना। पीछे कार्यकर्ता व्यवस्था देखेंगे। तो श्याम जी भजन जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। राम मन के संसार में गम का डेरा है क्यों, मन के संसार में गम का डेरा है क्यों, रात गुजरी तो फीका सवेरा क्यों। देवता तू अगर प्यार की ज्योति है, हर दिए के तले फिर अंधेरा क्यों। अपनी ही काल लाश कंधे पे ढोता है क्यों, अपनी ही लाश कंधे पे ढोता है क्यों। हर कोई छुप के कोने में रोता है क्यों, ऊंचे ऊंचे महल बन गए हैं यहाँ। आदमी फिर भी सड़कों पे सोता है क्यों, तू है दाता तेरे जग में अंधेर क्यों। अपने भक्तों को देने में है देर क्यों, एक दुखी है तो लाखों सुखी है यहाँ। तेरे वरदान में ये उलट फेर क्यों, जग का दुख झेलना ही पड़ेगा तुझे, राज ये खोलना ही पड़ेगा तुझे। देख लो जिद पे हम जो अपनी आ जाएंगे, बस बोलना ही पड़ेगा तुझे। मनमोहिनी मूरत तेरी प्रभु, मनमोहिनी मूरत तेरी।
मेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहिनी हो वृंदावन में या अवधपुरी की गली में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गली में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहिनी सन्यासी हो गए, सबको परित्याग उदासी हो गए, हाय छाने बन बन खाक तेरी, छाने रे बन बन खाक तेरी, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहिनी हो रही तेरी पहल गए। तेरेगे
सब भक्त तुम्हें को तेरे गे तेरे नाम की माला फेरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे हाय जब आप ही खोदे शर्मावोगे जब आप ही खोदे शर्मावोगे हमें दर्शन दोगे कहीं कहीं हमें दर्शन दो कहीं कहीं मन मोहिनी हो बोली भक्त और भगवान की जय हो बोली गौ माता की जय हो। आदरणीय महाराज श्री से दीदी से निवेदन है, हमारे एक अमीर नाजा कब्बाल जो यहाँ के फेमस कलाकार हैं वो चाहते हैं कि मैं एक छोटा सा भजन दे हूँ, थोड़ा सा समय दिया जाए उनको। श्री राम सीताराम राम इस भजन के पश्चात पधारे हुए संतों का आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वचन प्राप्त है। आदरणीय तमाम गौ भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक कलाकार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए एक भजन छोटा सा आपके सामने पेश कर रहा हूं। आ
श्रद्धा चैनल जो है बहुत नाम है इनका, हिंदुस्तान इनको जानता है। आस्था बहुत नाम है। मन मरे माया ना मरे, मन मरे माया न मरे, मर मर जाए शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मरे माया न मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। क्योंकि परमेश्वर से गुर बड़े, परमेश्वर से गुर बड़े। तुम पढ़ लो वेद कुरान, कहते हैं कि परमेश्वर से गुर बड़े, तुम पढ़ लो वेद कुरान। और शेख फरीदा यूं कहे, मिले गुरु के घर भगवान। तो सोच ले तू, आज पिंजरे के पंछी, आपका टाइम खत्म हो गया, काहे को मुस्काए, ये हम सब हैं इस जग में कैदी, तू ये समझ ना पा। ये भजन मैंने एक फिल्म में गाया है, ऋषि कपूर पर्दे पे है। तो भजन बिना चैन ना आए रा, भजन जीवन की शान, इस जीवन की शान, इस जीवन की शान, भजन बिना
भजन है अमृत रस का प्याला, है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना, शाम सवेरे पीना, पीना, शाम सवेरे पीना। क्योंकि कौन कौन जग में किसी का होता है, मुफ्त में क्यों जन्म गवाता है, कोई रिश्ता न कोई नाता है, इस जहां से अकेला अकेला जाता है, सुनहरा ख्वाब है दुनिया किस्म के डेरे हैं, न कोई तेरे हैं जग में न कोई मेरे हैं, अरे तू समझता है जिनको मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं, बदला ये तुझसे तेरे बस एक बार लेंगे, और मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे, फिर मिलके तेरी दौलत आपस में बांट लेंगे, महलो मकान तेरा एक एक छांट लेंगे, इसलिए ए गौ भक्तों, इसलिए ए दोस्तों, उस मालिक से डरना चाहिए, और नाम दुनिया में रहे वो काम करना चाहिए। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, जी शाम सवेरे पीना, ओ पीना, शाम सवेरे पीना, इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन, के मस्ती में तू जीना, ओ जीना, हाँ मस्ती में तू जीना, ओ हम भक्तों के साथ साथी लो, हम भक्तों के साथ साथी लो, अरे तुम भी प्रभु का नाम हरि नाम, भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलिए बोलिए राम राम, बोलिए ताली के साथ श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, बोलिए बोलिए बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद